हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन। मैं डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं। दोस्तों निश्चित तौर पर आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो दोस्तों पूरे वीडियो के दौरान बने रहे हर एक पॉइंट को ध्यान सुने। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स में जो है वैकेंसी आई है, और दोस्तों इस एडवर्टीजमेंट को देखने के लिए जो है आगे आपको प्रोसेस में बताने वाला हूँ, उसमें जो है आप देख लेना कि कहाँ से जो है इस एडवर्टीजमेंट को आप जो है डाउनलोड कर सकते हो और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है कहाँ से फिलअप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये साइट पे जो है जाने पे डायरेक्टली जो है वो चूंकि वो पेज वहाँ पे जो है ओपन नहीं हो रहा था, वो नहीं दिख रहा था, तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको जो है आगे कैसे आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो जो उस एडवर्टीजमेंट को। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो है किन किन सब्जेक्ट्स में यहाँ पे जो है वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट या फिर डिपार्टमेंट की बात करें तो जैसा कि हिंदी में ये प्रोफेसर के लिए तो सीट नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दो सीट है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसा कि पोस्ट को मेंशन किया गया है, तो आप देख लें कि आपके सब्जेक्ट में सीट है या फिर नहीं। बाकी केवल सब्जेक्ट जो है मैं बता देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो आप, ये दिया है कि मेन कैंपस हरिद्वार फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है, मतलब केवल जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए यह है। जैसा कि हिंदी में जो है बी फॉर्म या फिर डी फॉर्म, फिर योगिक साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, फिलॉसफी, मैनेजमेंट स्टडी, ज्योतिष विज्ञान, वेदा, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में जो है ये वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे देख सकते हो जैसा फिर आगे दिया है कि कन्या गुरुकुल कैंपस, ठीक है, हरिद्वार में जो है ये, और ये जो है केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें आप देख सकते हो जैसे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में है और फिलॉसफी में, और उसके बाद जो है फिजिक्स में, उसके बाद फिर जो है कन्या गुरुकुल कैंपस देहरादून की बात करें तो ये जो है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है, मतलब केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है ये भी। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी और ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है, इनमें जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। और बाकी फिर आप देख सकते हो जैसे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हरिद्वार फॉर मेल कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, मेल के लिए यहाँ पे बात की गई है। जैसे बीटेक ईसीई, ठीक है, इसमें जो है, और बीटेक सीएससी, बीटेक ट्रिपल ई, बीटेक एमई, ठीक है। इस तरह से जो है सारे यदि हम लोग टोटल बात करें तो प्रोफेसर की जो है एक सीट और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है टोटल जो है यहाँ पे 34 जो है सीट्स अवेलेबल हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हम लोगों ने बात किया है कितनी सीट्स हैं, अब दोस्तों आगे जो है हम लोग देखते हैं कि आखिर जो है कहाँ का ये वैकेंसी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो और दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि ये जो फॉर्म है ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार में है उसका ये फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन एंड गाइडलाइंस फॉर शॉर्टलिस्टिंग एंड सेलेक्शन ऑफ एडहॉक फैकल्टी टीचिंग पोस्ट एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, ठीक है, ये मतलब एडहॉक जो है पोस्ट हैं जैसे टीचिंग और नॉन टीचिंग, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो दोस्तों ये जो है आगे हम लोग बात करें, जैसा कि दिया है कि द कैंडिडेट हैव टू अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू क्लिक ऑन, ये जो लिंक जैसा दिया है यहाँ पे, इस लिंक पे जो है आप जा करके क्लिक मतलब ऑन मतलब ये फॉर्म जो है आप फिलअप कर सकते हो। और दिया है एंड डिपॉजिट एप्लीकेशन एप्लीकेबल फी ₹500 फॉर अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी, अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के केस में जो है दिया है कि ₹500, और नोट करके दिया है यहाँ पे दोस्तों जैसे कि नो फीस फॉर एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट, ठीक है, मतलब इस केस में जो है यहाँ पे फी नहीं लगनी है। और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट की बात करें हम लोग तो 27/8/2020 से जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये चूँकि ऑनलाइन का स्पेशली यहाँ पे बात नहीं किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे 27/8/2020 से जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जैसा कि दिया है सबमिशन ऑफ लास्ट डेट की बात करें तो ये 3/9/2020 तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों आगे फिर बात की गई है यहाँ पे, फिर जैसे कि आप देख सकते हो कि बाकी जो है नॉन टीचिंग में देखें हम लोग जैसे कि लोअर डिविजनल क्लर्क, जैसे अकाउंटेंट की जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 सीट दिया है, ठीक है, और सैलरीज के लिए फिक्स बताया हुआ है। दोस्तों इस तरह से ये सारी पोस्ट हैं, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम क्वालिफिकेशंस वगैरह, बाकी आप डिटेल्स यहाँ पे डिटेल में देख लेना, ठीक है। जैसा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जैसे कि हिंदी में योगिक साइंस, फिजिकल एजुकेशन, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी या फिर फिलॉसफी, संस्कृत, फिजिक्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो एज पर यूजीसी रेगुलेशन जो है आपका मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसा दिया है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ये आई थिंक जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अप्लाई करते होंगे उनको पता भी होगा। वैसे फिर से बता देता हूँ कि दोस्तों एटलीस्ट आपका 55% जो है मतलब आपका मार्क्स जो है मास्टर डिग्री में
होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ दोस्तों आगे जैसा दिया है कि इसके साथ साथ जो है आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, यूजीसी या फिर सीएसआईआर जो भी आप पे अप्लीकेबल हो, ठीक है, या फिर यूजीसी के से जो है एक्रेडिटेड, मतलब जैसा कि दिया है, या फिर सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाई यूजीसी, यूजीसी के द्वारा जो है कोई एक्रेडिटेड कोई स्लेट या फिर सेट एग्ज़ाम आपका क्लियर हो, या फिर जो है यदि आपके पास नेट या फिर स्लेट नहीं है तो आपके पास पीएचडी यदि जो है यूजीसी रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग यदि आपकी पीएचडी डिग्री है, इन दैट केस जो है आपको नेट स्लेट या फिर सेट से जो है मतलब एग्जम्प्ट किया जा सकता है। और आगे फिर फोर्थ नंबर पे जो बात की गई है कि नेट स्लेट या फिर सेट की बाध्यता जो है उनके केस में नहीं है जिनके केस में मास्टर मतलब जिस सब्जेक्ट में जो है नेट स्लेट या फिर सेट जो है कंडक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो जैसा कि दिया है कि नेट और स्लेट और सेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट और स्लेट और सेट इज़ नॉट कंडक्टेड, ठीक है। मतलब जिसमें नेट स्लेट और सेट जो है कंडक्ट ही नहीं होता है जिन मास्टर सब्जेक्ट्स में, तो उनके लिए जो है नेट स्लेट या फिर सेट की जो है बाध्यता नहीं है। बाकी दोस्तों जो इंजीनियरिंग के लिए जो पोस्ट थी उनके लिए जो है एज पर AICTE नॉर्म के अकॉर्डिंग जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बाकी डिटेल यहाँ पे देख लेना दोस्तों, जो भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन और भी दी है, बाकी हर पोस्ट के लिए जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है, ठीक है। और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस देख करके उसके बाद जो है आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना दोस्तों। इस एडवर्टीजमेंट को आप जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ से जो है आप उसको देख सकते हो एडवर्टीजमेंट को, ठीक है। इस पूरे एडवर्टीजमेंट को पढ़ लें, समझ लें, सेटिस्फाई हो लें, देख लें कि आप एप्लीकेबल, मतलब आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, देन आप अप्लाई करना इस फॉर्म को, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कहाँ से इस एडवर्टीजमेंट को आप देख सकते हो, कहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले जो है गूगल में आप यहाँ पे टाइप करोगे गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी। अब दोस्तों इसको जो है आप सर्च करोगे, देन आप यहां से देख सकते हो यहां पे जो है पहला यहां पे जैसा कि देख सकते हो www.gkv.ac.in, यहां से आप जो है इस यूनिवर्सिटी के जो है वेबसाइट पे जाओगे। और दोस्तों आगे जो है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब आप आगे जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको फ्रंट पेज पे कहीं जो है इसका डिटेल जो है आपको नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं आपको जो है ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इस पर क्लिक करके जो है आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से ये पेज ओपन हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन गाइडलाइंस के लिए जो है आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी ये ओपन हो जाएगा पेज जो है, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने बात की, यहाँ पर डिटेल जो है आ चुका है, आप देख सकते हो। अब दोस्तों जैसे ऑन ये बात करें हम लोग, ये अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, ये इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से क्लिक करके और जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों जैसा कि ये जो है ओपन हो करके आ गया है यहाँ पे जो है, ठीक है, तो यहाँ से फिर आगे जो है आप प्रोसीड करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि आपको जो है आज का वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चाहे तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कर देते हो तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। दोस्तों इस तरह के अपडेट्स जो अक्सर अपने YouTube चैनल पे अपडेट करते रहते हैं जिससे कि आप अपडेट रहें। यदि आप नेट सेट स्लेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर MPhil PhD वगैरह करना चाहते हो, दोस्तों इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है अक्सर अपने YouTube चैनल पे अपडेट करते रहते हैं। और दोस्तों यदि आप नेट या फिर सेट या फिर स्लेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर PhD एंट्रेंस एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड भी जो है बहुत सारे वीडियोज़ हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यदि आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कोशिश करेंगे कि उन सारे वीडियोज़ के लिंक आपको प्रोवाइड कर दें। और साथ ही साथ जो है आप चाहे तो प्लेलिस्ट से भी जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हो और चाहे तो चैनल के डायरेक्ट पेज से आप देख सकते हो। दोस्तों जो भी अभी हाल मतलब रिसेंट में जो है जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए फॉर्म आए हैं उनकी भी कोशिश करेंगे कि लिंक आपको प्रोवाइड कर दे। और साथ ही साथ जो यदि PhD वगैरह के लिए जो फॉर्म जो है अदर यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं उनके भी लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे रिसेंट में जो भी अभी आए हैं, तो उनको आप चाहो तो देखना चाहो तो देख सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं किसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।